मेरा नाम संदीप टोंगे है। मैं श्लोक एडिनियम गार्डन से बात कर रहा हूँ। आपके सामने आज मैं हमारे गार्डन से जितने भी एडिनियम हैं, जितने एडिनियम को फूल आ चुके हैं, सबको आपको वन बाय वन दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। आपके एडिनियम के पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं, इन सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आपको दिखाऊंगा और वो भी कम समय में। ये देखिए, ये पेड़ मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, ये अभी 2-3 महीने हो चुके हैं और ये अच्छी क्वालिटी का है। और ये देखो, ये नर्सरी से मैंने परचेस किया था, उसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आ चुके हैं। पेड़ तो कोई बड़ा नहीं है मगर फ्लावर की भरमार हो चुकी है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। मैं आपको ऑनलाइन जो परचेस किया था उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा। ये देखिए, यहाँ पे फूल भी कितने सुंदर हैं, कलर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये भी ऑनलाइन परचेस किया हुआ पेड़ है और इसका कोडेक्स देखिए, कोडेक्स बहुत ही प्यारा कोडेक्स आया था। इसके बाद आप देख सकते हैं वाइट कलर सिंगल पेटल एडिनियम, इसमें फूल ही फूल आ चुके हैं, कली भी उसी प्रकार से है और पेड़ बिल्कुल बोनसाई लुक ले रहा है। उसके बाजू का देखिए, ये भी बहुत प्यारा बोनसाई लुक है, इसमें अभी कली आना स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं पेड़ को। इसके बाद जो पेड़ है इसमें फूल भी आ चुके हैं, कलियाँ भी है। फूल का कलर देखिए, बहुत ही प्यारा कलर है, देखिए सुंदर कलर है, प्यारा कलर है और उसका कोडेक्स भी बहुत ही प्यारा है। ये देख सकते हैं, ये पेड़ को तो आप देखेंगे कि फूलों की इसमें भरमार हो चुकी है। ये डबल पेटल है, फूल ही फूल खिल चुके हैं और बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इसके बाद जाएंगे सिंगल पेटल रेड कलर, ये मुझे सिंगल पेटल में बहुत ही प्यारा फ्लावर लगता है। इसमें कली भी वैसी ही है, फूल भी उतने ही आ चुके हैं और पेड़ भी बहुत ही बढ़िया है। इसका कोडेक्स भी आप देख सकते हैं, कोडेक्स भी बहुत ही सुंदर है। और ये मेरा मदर प्लांट है, मदर प्लांट में भी फूल आ चुके हैं, मदर प्लांट का कोडेक्स है, प्यारा कोडेक्स है। और ये अपने पूरी फूलों की बाहर से लथपथ होकर छो चुका है। और ये देख सकते हैं आप, ये जो चार पेड़ दिख रहे हैं, ये चार पेड़ मैंने ऑनलाइन से ख़रीदे थे, इसको 2-3 महीने हो चुके हैं, इसमें भी कली आना स्टार्ट हो चुकी है। और ये मेरा सबसे पुराना पेड़ एडिनियम का, जिसको 6 साल हो चुके हैं और उसका आप कोडेक्स देख सकते हैं, कोडेक्स भी बहुत ही सुंदर है और इसमें फूल आके चले गए हैं। तो इसके बाद आप देख रहे हैं, कुछ कटिंग से मैंने ग्रो किए थे एडिनियम के, उसमें भी कुछ छोटी छोटी कलियाँ आना चालू हो गई, कलियाँ यानी शूट्स निकलना शुरू हो चुके हैं। और कुछ मैंने सीडलिंग से ग्रो किए थे। इसके बाद आप और एक पेड़ दिखाऊंगा मेरा पुराना, जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था। आपको लगेगा नहीं, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है, देखिए इसका कोडेक्स, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ पेड़ एडिनियम का, देखिए कितना सुंदर लुक ले चुका है और ये बहुत ही प्यारा दिखता है। तो इसी प्रकार मेरे घर के आपने एडिनियम दिख चुके हैं, इसमें पूरी फूलों की बरसात हो चुकी है और कुछ को फूल आना चालू है, किसी की कलियाँ बनना चालू है, किसी के फूल आके चले गए हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये सभी मेरा टेरेस के ऊपर रखे हुए हैं। तो इसको जो कुछ, हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे वो पेड़ जो है, गूगल पे आप जा सकते हैं, उसमें एडिनियम हब करके सर्च कीजिए, जिसमें आपको अयान घोष नर्सरी की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप आराम से पेड़ के पौधे परचेस कर सकते हैं एडिनियम के, देख सकते हैं। ये मेरे एडिनियम की वैरायटी है और ये मेरा लुक है जो एडिनियम मैंने रखे हैं टेरेस पे। तो आप सभी को मैं विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।